अब आप खरीद सकते हैं शिव्स म्यूजिक फ्लूट अमेजन पर, वो भी किफ़ायती दाम में। इसके साथ आपको मिलेगा एक कैरी बैग, एक बांसुरी और लिखा हुआ मैनुअल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है शिव्स म्यूजिक अकेडमी चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा जो हीरो धुन है, जो लंबी जुदाई जो सॉन्ग है उसमें बाद में हीरो धुन आती है, बहुत ही फेमस ट्यून है बांसुरी पर, तो वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। ये बांसुरी है ए नेचुरल बेस, ठीक है दोस्तों, ये बेस फ्लूट है, ए इसकी स्केल है। इसके अलावा आपके पास जो भी फ्लूट है उस पर आप प्रैक्टिस कीजिए, जो नोटेशंस है, जो बजाने का तरीका है, सबका सेम होता है। तो अगर आपको बांसुरी खरीदनी है तो आप मेरी ही कंपनी की ले सकते हैं, शिव्स म्यूजिक फ्लूट, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। और आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कीजिए, उसमें मैं आपको नोटेशंस के हिंट दूंगा जिससे आपको बाद में आप प्ले कर सकते हैं। तो मैं आपको जो बता रहा हूं वो देखिए क्या करना है आपको, कि दो नोट क्लोज करके स्टार्टिंग के वहां से आपको प्ले करना है। अब मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से नोट्स लगेंगे। तो जब हम तीन होल्स क्लोज करते हैं तो वो हमारा होता है सा, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको यहां से स्टार्ट करना है, लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इन दो नोट्स को रे ही बोलूंगा, ठीक है दोस्तों। अगर मैं इसको सा बोलता हूं तो कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये सा है या रे है। तो मैंने आपको बताया है मेरे लेसन में, लेसन नंबर 9, जिसमें ट्रांसपोज का एक ऑप्शन आता है, ठीक है दोस्तों। ट्रांसपोज का मतलब कि हम स्केल शिफ्ट कर देते हैं, तो उसको हम साइड में रखते हैं, वो मैंने अलग से लेसन बनाया है। अगर आपको उसमें डाउट है तो आप वो देखिए, मेरी जो नई सीरीज है बिगनर से एडवांस, उसमें लेसन नंबर 9 है। तो अब हीरो ट्यून की बात करते हैं, तो एक बार मैं आपको सुना देता हूं। तो इस तरीके से कुछ ट्यून है। इसमें आपको क्या करना है कि रे नोट से आपको जंप करना है ध नोट पर, रे रे धा नी धा मा गरे, फिर से देखते हैं स्लो मोशन में, ये हमारा रे नोट हुआ। अब यहां से आपको जंप करना है ध नोट पर। अब जो ध नोट होगा वो मीडियम ऑक्टेव का होगा, तो कई लोग इसमें क्या गलती करेंगे कि रे से आप करेंगे और ध नोट ये होता है जब हम बजाते हैं, लेकिन आप ये लो ऑक्टेव में बजा लेंगे फिर आप खुश हो जाएंगे, लेकिन वो गलत है। वो जो गलती करेंगे वो मैं बता देता हूं। तो ये लो ऑक्टेव मतलब पीछे की तरफ जा रहा है, लेकिन आपको आगे की तरफ जाना है, जो धुन है उसमें आगे की तरफ गया है। ला ला, यहां तक हुआ। उसके बाद अब जो आपको हरकत लेनी है वो वाला अफेक्ट हरकत से आएगा। वो कैसे आएगा, कहां पर लेनी है आपको, जैसे हमने रे नोट था, रे के बाद हमने जंप किया ध नोट पर, ये पा होता है, ये धा, रे धा नी धा। अब जो नी, नी के बाद आप ध पर आएंगे, तो नी नोट पर आपको स बार बार लेना है, ला। अब जितनी बार आप लेंगे उतना अफेक्ट आएगा। वो आपको कैसे करना है, इस तरीके से देखिए, ये हमारा नी नोट हुआ, चार होल क्लोज करके नी, और फिर ये होता है सा, तीन होल क्लोज करते हैं। तो आपको नी और सा में हरकत लेना है। इसी तरीके से जब आप पीछे की तरफ आएंगे तो आपको इधर लेना है ग और रे में, ये वाला। एक बार फिर से सुनाता हूं। और जो ठहराव है, जो आपको रेस्ट लेना है, वो लेना है ध नोट पर, रे धानी धानी धा। अब एक पार्ट हुआ, अब आपको आना है मागरे मागरे, वो वाली हरकत जो हमने नी और सा पर ली थी, अब आपको लेना है ग और रे पर, ठीक है दोस्तों। अब मागरे मा, इसमें आप हल्का सा स को भी टच कर सकते हैं, यानी कि ग
रे सा, इन तीनों में आपको हरकत लेनी है, वो मैं आपको धीरे धीरे बताता हूं ताकि आपको कुछ हिंट मिलेगी। और जो ठहराव है वो होगा रे नोट पर, इससे पहले हम ले रहे थे ठहराव, रेस्ट ले रहे थे, वो धा पर ले रहे थे, अब आपको लेना है रे नोट पर। ठीक है दोस्तों, अब इतना जो सीखा है इसको फिर से प्ले करने की कोशिश कीजिए। अब उसके बाद अब उसमें आपको करना है रे के बाद जाना है म नोट पर, रे मा गा रे मा गा। अब यहां पर फिर से हरकत लेनी है सेम वाली, यहां पे करना है ये देखिए रे हो गया, फिर म पर आना है, म और ग पर हरकत लेना है, इस तरीके से आप खोल सकते हैं रे म और फिर म ग इस तरीके से। अब यहां पर थोड़ा सा ऑफ नोट लगेगा जो कि गाने की फीलिंग चेंज कर देता है। अब यहां पर देखिए जो हम पहले ध शुद्ध ले रहे थे उसकी जगह आपको ध कोमल लेना है, ध कोमल लगाने से पूरी फीलिंग चेंज हो जाएगी वहां से। ला ला ला, अब यहां पर ला 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 ध कोमल ध शुद्ध नी ला ला ला, ध कोमल ध शुद्ध नी शुद्ध। ठीक है दोस्तों, ध कोमल ध शुद्ध नी शुद्ध। अब यहां पर आपको जो नेक्स्ट ऑक्टेव है उसका रे नोट लगाना है, नी मीडियम का नी, वहां से आपको जंप करना है हाई ऑक्टेव का रे शुद्ध। फिर से सुनिए, ध कोमल, अब नी के बाद रे शुद्ध जंप करना है आपको हाई ऑक्टेव का, नी रे रे सा, फिर लौट के आना है ला 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 ला। यहां पर ऑफ नोट है, ऑफ नोट मतलब कि कोमल स्वर। ठीक है, ये जो खत्म हो रहा है वो ध कोमल पर हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से, और फिर से सेम ट्यूनिंग रिपीट है, यानी कि जो हमने स्टार्टिंग से सीखा है उसी को आपको रिपीट करना है। तो एक बार आप पूरा सुन लीजिए, कोशिश कीजिए बजाने की। मुझसे भी कुछ गलतियां हुई होंगी, मुझे मालूम है, एकदम परफेक्ट नहीं हो पाएगा, तो आप भी कोशिश कीजिए जो धुन है उसको प्ले करने की। और इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर मैं आपको लिखे हुए नोटेशंस की हिंट दूंगा आपको कि कौन कौन से नोट्स प्रयोग होने हैं। तो तब तक आपको खुद से ट्राई करना है, और लिंक मैंने सारी डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम अगले ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।